हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको हिमालया ब्रांड के त्रिकटु कैप्सूल के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि त्रिकटु बॉडी के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है। तो गाइस हिमालया ब्रांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है जिसके मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इंडिया में गाइस इनके प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा सेल होती है। और गाइस इससे पहले की कई वीडियो में मैंने आपको हिमालय ब्रांड के प्रोडक्ट का रिव्यू भी किया है। तो चलिए गाइस आज अपन त्रिकटू के बारे में भी बात कर लेते हैं। और गाइस जो हिमालय है वो ज़्यादातर हर्बल प्रोडक्ट यानी कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। और गाइस इसने कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं छोड़े हैं जो हिमालय ब्रांड ने नहीं बनाए हों। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट का निर्माण करता है जो ईजिली तरीके से आपको मार्केट में मिल भी जाते हैं। और गाइस ये न केवल ब्यूटी प्रोडक्ट का निर्माण करता है बल्कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी बनाता है। तो गाइस त्रिकटु जो होती है वो हिमालय ड्रग कंपनी द्वारा बनाई गई एक आयुर्वेदिक दवाई है जिसका उपयोग गैस्ट्रिक सपोर्ट के रूप में किया जाता है। तो गाइस त्रिकटु आपके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये तीन प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होता है। तीन प्रकार की चीज़ कौन कौन सी होती है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तीन चीज़ जैसे कि एक तो काली मिर्च होती है, पिपली होती है और जिंजर भी होती है इसके अंदर, जो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने का काम करती है। गाइस ये जो त्रिकटु है ये आपको मार्केट में दो फॉर्म में मिलती है, एक तो कैप्सूल की फॉर्म में और एक पाउडर फॉर्म में। दो किसी भी प्रकार की फॉर्म में हो पर ये काम तो वही करती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने का। गैस जैसे कि आपको कफ खांसी हो रही है तो उसमें ये भी ये आपको बहुत अच्छा खांसी और कफ की परेशानी में भी ये बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करती है। और गैस जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो ये आपके डाइजेशन को सही करने का काम करती है। डाइजेशन को सही कैसे करेगी, जैसे कि ये आपके लीवर और ये स्टमक होते हैं इनमें ये जो पाचक रस होते हैं उनको उत्तेजित करने का ये काम करती है जिससे ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे और आपका भोजन जल्दी से जल्दी पचने लग जाए। आपकी अपच की समस्या को पूरी तरह से दूर करेगी। और गैस आजकल गैस की समस्या तो इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि गैस बन जाती है तो बहुत लोगों पर तो झेलती नहीं है, क्योंकि गैस वो गैस बनते बनते आपके पेट में जलन होने लगती है, सीने तक जलन पहुंच जाती है और फिर सर पे चढ़ जाती है जिसके कारण सर में दर्द होने लगता है। तो उसके लिए गैस ये त्रिकटु बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी क्योंकि इसके अंदर काली मिर्च होती है, जिंजर भी होती है और पिपली होती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहती है आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। चुटकियों में गैस ये आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करेगी। और गैस ये हर्बल सप्लीमेंट है, ये बिल्कुल हर्बल तरीके से बनाई गई है। मैंने इसके इंग्रेडिएंट के बारे में तो आपको बता ही दिया है कि इसमें तीन प्रकार के इंग्रेडिएंट से ये मिलकर बनी होती है। और गैस इसके अंदर 60 टैबलेट हैं, 60 कैप्सूल है इसके अंदर, जिसको आपको सुबह शाम दो टाइम लेना है, दो टाइम खाना खाने के बाद इसका सेवन करना है। और गैस एक बात और बता देती हूँ मैं आपको कि अगर आप पहले से ही किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या पहले से ही आप किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस कैप्सूल को लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह जरूर लेके आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फ़ायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए त्रिकटु को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और गाइस मैं आपको त्रिकटु के बारे में ही नहीं बता रही हूँ कि कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, किसी भी प्रकार की टेबलेट का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह हमेशा ही लेनी ज़रूरी होती है। और गैस इसके वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसका निर्धारित खुराक से ज़्यादा मात्रा में अगर इसका सेवन करेंगे तो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि पेट में जलन या फिर आपको दस्त उल्टी भी हो सकते हैं, आपको बेचैनी का महसूस भी हो सकता है। तो गैस अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपका पाचन सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको कफ या खांसी है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अंदर काली मिर्च होती है जो आपकी कफ और खांसी को झट से दूर करने का काम करती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गैस, अफोर्डेबल भी है, इजीली तरीके से अफोर्ड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा गैस आप बोलेंगे कि हम इसको कहाँ से परचेज करें, तो आप इसको गैस ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन साइट पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर गैस आप इसको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप से मार्केट में या फिर आप हिमालय के स्टोर से परचेज कर सकते हैं। हिमालय का स्टोर आपको हर सिटी हर टाउन में आपको ईजिली तरीके से मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी इसको खरीद सकते हैं।
और इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो। सो गाइज, आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे और आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइज, अगर आपको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ गाइज, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हम जो भी नई नई वीडियो डालते हैं वो आपके पास शीघ्र पहुँचती रहे और आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे हमारे द्वारा। सो गाइज, अगर आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान है या फिर पाचन आपका सही नहीं है तो आप इसको लेके आइए, त्रिकुटु काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और डॉक्टर से कोई भी मेडिसिन हो, डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। सो गाइज, धन्यवाद।